أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها؟ سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا. तर्जमा और हमने कौम आत की तरफ उनके भाई हूत को भेजा उन्होंने फरमाया कि मेरी कौम तुम अल्लाह की इबादत करो उसके सिवा कोई तुम्हारा माहबूद नहीं सो क्या तुम नहीं डरते उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे उन्होंने कहा कि हम तुमको कम अकली में मुबतला देखते हैं और हम बेशक तुमको झूठे लोगों में समझते हैं उन्होंने फरमाया कि ए मेरी कौम मुझ में जरा भी कम अकली नहीं लेकिन मैं परवरदिगार आलम का भेजा हुआ पैगम्बर हूँ तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ और मैं तुम्हारा अमानतदार खैर हूँ और क्या तुम इस बात से ताजुब करते हो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स की मारिफत जो तुम्हारी ही दिन का है कोई नसीहत की बात आ गई ताकि वो शख्स तुमको डराए और तुम वो हालत याद करो कि अल्लाह ने तुमको कौम नूह के बाद जानशीन बनाया और डील डूल में तुमको फैलाव भी दूसरों से ज्यादा दिया सो अल्लाह की नियामतों को याद करो ताकि तुम फलाह पाओ उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे पास इसलिए आया है कि हम सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूछते थे उनको हम छोड़ दें अगर तू सच्चा है तो जिस अजाब की हमें धमकी देता है वो ले आ उन्होंने फरमाया कि बस अब तुम पर अल्लाह की तरफ से अजाब और गजब आया ही चाहता है क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने ठहरा लिया है उनके माबूद होने की अल्लाह ने कोई दलील नहीं भेजी सो तुम मुंतजर रहो मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहा हूँ और उनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया और उन लोगों की जड़ काट दी जिन्होंने हमारी आयतों को छुटलाया और वो ईमान लाने वाली नहीं थे वाह। कौली। माओ, प्यारी बहनों, प्यारी के पिछले रुकू में हमने ये देखा था कल जो हमने पढ़ा था सूरत अराफ का दूसरा रुकू उसमें हमने ये देखा था कि अः अल्लाह सुबान तीन तोहद बयान की और ये तोहदारी किस लिए बयान की थी के बंदे को एहसास हो ताकि बंदे को एहसास हो कि उसका रब है उसे देख रहा है और वो सारी जिंदगी जो इंसान गुजारता है तो उसके जो इस्तेमाल शुदा चीजें हैं जो गज़ा वो लेता है जिस माशरे में वो पलता बढ़ता है तो ये तमाम किसका मरहुन मिन्नत है अल्लाह तला ही की ये खलकत है अल्ला ने ये तमाम इंतजाम किए हैं बंदे के लिए अब ये बंदे को चाहिए कि कि वो आ, क्या कहते हैं अल्लाह ताला ही की इबादत कर जैसे हमने पिछले पढ़ा था कि सलाम के कौम ने क्या किया था उनसे पूछा था कि गैरु यानी तुम तुमको क्या हो गया कि तुम दूसरे गैर अल्लाह की इबादत क्यों करते हो जबकि अल्लाह पाक ने तुमको हर वो चीज अता की अब इसी यानी हमने पिछले पढ़ा था कि कानो खलास आयत ये पढ़ी थी किंधी अमीन। तो, अमीन, तो, तो, हो गई थी सारे कौम की कौम अंधी हो गई थी यानी किस में अंधी हो गई थी कुफर में शिरक में तो इनको अल्लाह सुबहान तला ने ये अः यानी अजाब उनके ऊपर नाजिल किया था कि सारे लोगों को गर्ख कर कर दिया था और वो गर्क हुए कौन से लोग गर्क हुए जिन्होंने कुफर किया था जिन्होंने सलाम को नहीं माना अल्लाह की बात को नहीं माना अल्लाह के पैगंबर को झुटला दिया तो क्या हो गया इतात नहीं करने की वजह से फरमाबरदारी नहीं करने की वजह से उन पर अजाब आया अब आज जो आए थे आपके सामने पड़ी गई अः नवा रुकू कि वह इला आदिन अखाहुम हुदन क्या कि हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा व इला आदिन और आद की तरफ अखाहुम उनका भाई हूद देखिए ये कौम के अंदर से ही एक इंसान को उठाते हैं स्पाना और उसको कहते हैं कि तुम इनको दीन की बात समझाओ क्यों समझाई जाती मेरी बहनों एक पॉइंट इसमें यह है कि जो भाई होता है ना जिस कौम का जो इंसान होता है जिस कौम का जो आदमी होता है वो उनकी उनका ही भाई भाईबंद होता है तो उसको बेहतर मालूम होता है कि इनके ख्याल कैसे हैं इनको कैसे समझाया जाए और वो लोग देखते भी हैं शुरू से उस इंसान को जिसको भी अल्लाह तला नबी बनाते हैं रसूल बनाते हैं पैगम्बर बनाते हैं तो वो उन्हीं में से कोई होते हैं यानी लोगों में से लोगों के दरमियान में से अल्लाह सबला उनको उठाता है तो लोग उनको सालों से देखते रहते हैं कि ये अच्छी तबीयत के हैं अच्छे मिजाज के हैं अच्छी अः यानी अः इनकी गुफ्तु होती है ये नेक हैं बागबाज हैं सच्चे हैं तो ऐसे लोगों को अल्लाह सुबह जो शुरू से उनके अंदर कौम में ही रहते हैं और उनके यानी अपनी अपनी वो कौम में से ही एक शख्स को अल्लाह तला उठाता है ताकि लोग ये आ, देख कर तस्लीम कर लें कि ये अच्छा है आदमी ये सच्चा है ये इंसान सबका खैर ख्वा है तो ये जो भी बोल रहा है ये सच कह रहा है जैसे कि देखिए कल हमने पढ़ा था कि नूसलाम ने भी यही कहा था ना कि अबीबिकुम अल रजिन को क्या ये तुम इस बात से ताजुब करते हो कि तुम्हारे पास एक आदमी ऐसा आया जो तुम्ही में से है लियम तखम तुरहुन ताकि वो तुम्हें डराए ताकि तुम तखवा अख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए लेकिन उन्होंने क्या किया उन्होंने ने झुटला दिया तो उसके फौरी बाद यानी जैसे ही उन्होंने झुटलाया और उन पर अल्लाह का अजाब आया अल्लाह का अजाब आया उसके चंद सालों बाद चंद सालों बाद एक और कौम आद आदि आद अब ये कौम आद उसमें से ये इस कौम में से एक नेक शख्स थे हूद उनको अल्ला ने वहां पर नबी बनाया सलाम को ये ये कौम के दरमियान उठा सलाम के बाद ये खौम, खौम आद थी वोम आद कैसी थी मेरी बहनों ये आ, यमन में रेतीले पहाड़ों में थी ये यमन 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 पता है ना यमन आपने सुना होगा ना कंट्री तो ये यमन में रेतीले बड़े बड़े पहाड़ थे और ये कौम उस जगह पर यमन में रहती थी और अपने खुवत और ताकत में ये बेमिसाल थी यानी इतनी ताकतवर कौम अल्लाह ने बनाया था उनको ताकत खुवत जबरदस्त थी उनके पास बेमिसाल थी और वो लोग अपनी ताकत और खुवत की वजह से ताकत और कुत की वजह से ये चाहिए था उनको कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते कि अल्लाह ने उनको एक स्पेशलिटी दी है एक स्पेशलिटी दी है ताकत दी है अल्लाह का शुक्र अदा करते लेकिन उन्होंने नहीं किया अल्लाह का शुक्र उन्होंने अदा नहीं किया बल्कि क्या किया कि उन्होंने अः अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय उन्होंने क्या किया अल्लाह की नाफरमानी की पेदर पे। तो अल्लाह ने क्या किया को वहां पर भेजा नबी बनाकर भेजा कि देखो इन लोगों को समझाओ क्या समझाओ उन्होंने कहा खौला उन्होंने कहा الله, ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो माँ तुम अल्लाह की इबादत तो क्योंकि उसके सिवा कोई माबूद बरह नहीं है अफला तुन क्या तुम डरते नहीं उससे यानी किस लिए डरना है क्योंकि पिछली कौम जो हूद से पहले की कौम जो थी कौम नूह ये हुद सलाम की जो कौम थी कौम आद उससे पहले कौन सी कौम थी अभी हम कल हमने पढ़ा था ना अभी मैंने बताया ना आपको कौन सी कौम थी वो नूह सलाम की तो नू सलाम की कौम पे रिसेंटली थोड़े दिन ही हुआ था अजाब आके उन्होंने उन्होंने अल्लाह की बात का इनकार किया एक अल्लाह की इबादत नहीं की रसूल की बात नहीं मानी नाफरमानी की जिसकी वजह से सारे गर्क कर दिए गए थे ना तो वो थोड़े ही अरसा गुजरा था तो अल्लाह ताला तलाम को ये कहने के लिए बोले कि कौम आद को बोलो कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो अपनी कौम से बोलो कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो और तुम्हें क्या हो गया कि तुम उस अल्लाह की इबादत नहीं करते जो अकेला मामूद बरह है और क्या तुम डरते नहीं हो यानी उसके अजाब से नहीं डरते देख चंद दिन खबली ही सारे लोगों को अल्लाह ने गर्व कर दिया था अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को डुबो दिया था डुब डुब के मरे ना पूरे हता के नूसलम का बेटा सगी औला नूसलाम की सगा बेटा जब उसे कहा नूह नूसलाम ने कि आओ मेरे बच्चे इस कश्ती में सवार हो जाओ और अल्लाह की फरमाबरदारी करो ये कश्ती अल्लाह के हुक्म से चलती है तुम्हें बचा लेगी तो वो क्या बोला कि मैं ये दखियानी सी बातों में ये मैं ये बातों में नहीं आता मैं वो होता ना कि मतलब औलाद अपने आप को बहुत होशियार समझती है और समझती है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है तो सलाम के बेटे ने भी ऐसी किया कि अपने आप को होशियारी बताई कहा कि देखो मैं तो पहाड़ की चोटी पर चले जाऊंगा मुझे कुछ नहीं होगा मैं बच जाऊंगा पहाड़ की चोटी पे जाऊंगा तो अल्लाह की भी शान देखी अल्लाह हु अकबर अल्लाह सुभान व तआला एक लहर ऐसी लाए कि जो जमीन से उठी तो पहाड़ की चोटी तक गई वो लहर और वहां से उसको ले डूबी तो मतलब यह है कि अल्लाह तबारक की बात हक होकर रहती है चाहे उसमें कितने ही बड़े बड़े चीजें क्यों ना हो जैसे मतलब ऐसा होता ना कि लहर आती है तो कैसे आती है थोड़ा सा लहर उठती है और थम जाती है लेकिन नहीं नूह सलाम के बेटे ने इनकार किया ना नूह सलाम के बेटे ने नाफरमानी की ना तो क्या हुआ वो लहर ऊपर चोटी तक उड़ी और वहां से उसको ले डूबी अल्लाह महफन अल्लाह महफूज रखे अल्लाह के अजाब से तो अल्लाह ताला बता रही कि हाउद ने भी कौम याद से यही कहा था कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो क्यों नहीं करते क्यों नहीं करते एक अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे तो ये तुम्हारे साथ मामला होगा कि तुम पिछली कौम की मिसाल देखो अफला तब तक डर नहीं होता क्या तुमको कुछ अल्लाह से नहीं डरते तुम قال الذين كفروا अब उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे देखिए अब यहाँ पे जितनी मरतबा आपके सामने आएगा नाफ़रमानों की लिस्ट तो उसमें पहले सरदारों की लिस्ट रहती है यानी जिसको अल्लाह रुतबा दे देता है जिसको अल्लाह उहदा दे देता है जिसको अल्लाह पैसा दे देता है जिसको अल्लाह तलावत दे देता है जोर दे देता है तो ये पहले अव्वल नंबर पर रहते नाफरमान क्योंकि उनको अपना जोर नहीं चला सकते ना वो अपनी जहालत नहीं बता सकते अपना जोर नहीं चला सकते अपनी अनानियत अपना हुकूमतें अपनी सरदारियां नहीं चला सकते ना वो लोग अल्लाह के फर्माबरदार बन जाएंगे तो क्या होगा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनको अमल करना पड़ेगा अब उनको नहीं चाहिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनको अमल नहीं करना है तो क्या करते हैं ये लोग पहले कुफर करने वाले ये रोगी होते हैं देखिए यहाँ पर अब पे दर पे पैगमरों का जिक्र हो रहा है उसमें पूरे खाल खाला मलाउल गफर वाला कहा मलाउल गफरु वो काफिर जो कौम के सरदार थे उन्होंने क्या कहा मिन कौमी ही अपने कौम से इन्ना लनरा कफी सफा क्यों वह इन्ना नज खामिन खातिबीन उनके कौम के सरदार जो काफिर थे उन्होंने क्या कहा हम तो तुमको कम अखली में मुबिला देखते हैं कफर ही यानी अपनी कौम के यानी हूद की कौम के जो काफिर लोग थे सरदार उन्होंने क्या कहा इन्ना बेशक हम लनरा का तुझे हम देखते हैं किसको बोले हूद को बोले फी सफातीन सफातीन यानी आ, कम अखली वाले कम अखल वाले फी सफा बी सफाहतिन सफाहतुन वला किन्नी सफाहतुन व इन्ना लनन लनजुन्नु का और ये बोले कि और वा और इन्ना हम सब लनजुन्नु का ये गुमान करते हैं तुम्हारे ताल्लुक से कि मिनल काजिबीन तुम झूठों में से हो नऊज़ुबिल्लाह यानी हम तुमको ऐसे समझते कि तुम झूठे हैं क्या बोले पहले सरदार लोग उठ के कुफर करने वाले उनकी कौम के हूद की कॉम के क्या बोलती है कि तुम ही गलत हो तुम झूठे हो हम तुमको झूठा समझते हैं और तुम बोले कि कमखल हो बोले तो सलाम ने कहा हुद ने कहा या हो मी ए मेरी बला कि नहीं रसूल आलमी सफाहतुन मुझ में जरा भी कमखली नहीं हो सकती लईसा नहीं हो सकती भी सफातुल मेरे अंदर कमखली नहीं हो सकती क्योंकि क्योंकि मैं रसूल में अपने परवरदिगार आलम की तरफ से भेजा हुआ एक रसूल हो पैगंबर हो तो मेरे अंदर कमखली कैसे हो सकती अल्लाह ने मुझे पसंद किया है अल्लाह ने मुझे चुना है अल्लाह ने मुझे पसंद किया है अल्लाह ने मुझे तुमको पैगाम देने के लिए बोला तो मैं कमखल कैसे हो सकता हूं ये सवाल किया किसने नूह हु ने अपनी कौम से हु ने अपनी कौम से यह सवाल किया कि मैं कैसे आ, मैं कैसे कमखल हो सकता हूं जबकि मेरे रब ने मुझे रसूल बनाकर तुम्हारे पास भेजा है पैगम्बर बनाकर भेजा है उबल्ली मैं तुमको पैगाम पहुंचाता हूं मैं उबल लिखुम मैं तुम्हें पहुंचाता हूँ रिसालती रबी मेरे रब का पैगाम तुम्हें पहुंचाता हूँ मैं वा अना लकुम नास मैं कैसा हूं तुम्हारे लिए वा अना और मैं लकुम तुम्हारे लिए नासिहुन ना नासिहुन खैर खमीन अमानदार देखिये पिछले मैंने बताया था ना आइन मीम यान अमीन क्या होता है मेरी बहनों अमीन कहते हैं अंधे को आइन मीम यान अमीन अलीफ से अमीन बोलेंगे तो उसका माना आता है अमानत दार इसीलिए तजवीज सीखना लाजिम है को उसको सही मखरज से पढ़ना लाजिम है क्योंकि क्या होता है अगर हम सही मखारज से उसको नहीं पढ़ते तो क्या होगा नुकसान के माना एक से एक बदल जाता है ये भी अमीन उन लिखा दिख रहा है वहां पे भी अमीन उन दिख रहा है देखिए आयत नंबर सिक्सटी फोर में आइन से अमीन है और आयत नंबर सिक्सटी एट में अलीफ से अमीन है आइन से अमीन का माना है अंधे अलीब से अमीन का माना है अमानतदार तो ये सुबह अल्लाह तबारक तआला ने हजरत हूद को ये कहा कि तुम इनमें ऐलान कर दो कि मैं रसूल हूँ रब्बालमीन की तरफ से और उबली हुकुम मैंने तुमको पहुंचा दिया रिसालाती क्या पहुँचाता हूँ रिसालाती रब्बी मेरे रब के अहकामात मेरे रब का पैगाम तुमको मैं पहुंचाता हूँ वह अनाकुम नासन अमीन और मैं तुम्हारे लिए कैसा हूँ खैर ख्वाह हूँ अमानतदार हूँ यानी खैर तुम्हारी खैर ख्वाही चाहता हूँ ये ठीक है खैर ख्वाही है ना मेरी बहनों एक कौम को सही राह रास्त पर लाना सब में बड़ी खैर ख्वाही है एक इंसान की सब में बड़ी खैर ख्वाही उस दूसरे इंसानियत के लिए दूसरे इंसान के लिए सारी इंसानियत के लिए ये होती है कि वो उसे खैर ख्वाही की तरफ बुलाए उसे नेक बनाए उसे नेक बनाए यानी आपकी जानिब से कोई एक बंदा नेक बन जाता है आपकी जानिब से कोई एक बंदी नेक बन जाती है तो आपने गोया अल्लाह अल्लाह अल्ला इतना बड़ा सवाब देगा आपको कि गोया के आपने सारी इंसानियत को सुधार दिया है ना कि अल्लाह के, अल्ला के रसूल फरमाते हैं कि एक उह पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने का सवाब है उसके लिए जिस जो जो किसी एक को राह हिदायत पर लाता है तो मेरी बहनों लाजिम है कि जो पैगम्बरों वाला काम जैसे देखिए नू असलम थे हूद शोयम थेगम्बरों का यहाँ पर चंद आयतों तक एक के बाद गिरे पैगम्बरों का जिक्र किए हैं ये तमाम पैगम्बरों के आने के बाद सब में लास्ट कौन आए थे अल्लाह के रसुल्लेसम तो ये पैगम्बरों वाला काम क्या होता है मेरी बहनों खैर ख्वाही करना सारे माशरे की खैर ख्वाह बन जाना हमदर्द बन जाना उनके और उनको सही राह रास्त पर लाना समझाना उनकी यानी उनको उनकी अकल के मुताबिक वो कैसे समझ सकते हैं उस अंदाज से आप उनको समझाना कॉम्प्रोमाइज करना दरगुजर का मामला करना और उनको काउंसलिंग्स करना समझाना अल्लाह का पैगाम उनको देना ये पैगंबरों वाला काम अल्लाह ताला ने उम्मत महम्मदिया को दिया है मुझे और आपको अब जितने पैगंबरों के हम जिक्र सुनेंगे वो उनकी उम्मतों को सिर्फ उनके पैगंबर को फॉलो करना था उनके पैगंबर को फॉलो करना था लेकिन अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर नहीं आने वाले तो अल्लाह ताला ने क्या किया उम्मत महम्मदिया को ये आ, यानी जिम्मेदारी दे दी कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के दरमियान में से निकाली गई तुम नेकी का हुक्म देते हो बुराई से रोकते हो नेकी का हुक्म देना बुराई से रोकना यानी नस्ल दर नसल अब आगे कोई कौमों में एक एक दहा गुजर रहा है एक सदी गुजर रही है दूसरी सदी गुजर रही है तीसरी सदी अब कोई ख़यामत तक कोई पैगंबर आने वाले नहीं तो लोगों में बिगाड़ पैदा हो गया माशरे में खराबियां पैदा हो गई तो ये पैगंबरों वाला काम किसे सौंपा गया मुझे और आपको मेरी बहनों हमें पैगाम पहुंचाना लसवान तलाका का जैसे देखिए यहाँ पे रिसा, उबल लेखों को रिसाला क्या कहा सलाम ने मैं तुमको पहुंचाता हूं मेरे रब के पैगाम को वह ये भी यही ये भी सवाल कर रहे हैं इनसे कि क्या तुम इस बात से ताजुब करते हो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स की यानी एक ऐसे शख्स के बारे में आया तो तुम्हारी ही जिन्स का है अब अजीब तुम क्या तुम्हें अजीब लग रहा है अंजा कुम के आया तुम्हारे रब की तरफ से एक नसीहत आई किस पर रजुलिन ऐसे आदमी पर जो तुम में से ही है कोई तुमको फला दूसरी जगह का आदमी आके तो नहीं बोल रहा ताजुब किस बात का हो रहा है तुम में से रहने वाला ही तुमको रसीयत कर रहा है तो तुम्हें ताजुब किस बात का है अजीब क्यों लग रहा है तुम्हें होता ना महनो आज भी ये तो हजारों साल पहले की बात है लेकिन आज भी इंसान का वही हाल है अगर आप किसी को कोई अच्छी बात बोलो आप ऐसे पलट के देखते ताज्जुब से इन क्या बोल रहे हैं हमको है ना आपको अच्छी बात बोलो ऐसे पलट कर देखेंगे ताने के अंदाज में कि ये क्या कह रही है मुझे इसको क्या जरूरत है मुझे कहने की अब हम नजरों से ही हलाक हो जाते हैं नऊजुबिल्ला नजरों से ही डर जाते हैं अरे जाने दो भाई ये तो मुझे ऐसे घूर रही है ना अब तो वो बोलना ही बेकार है इसे छोड़ दो नहीं बोलेंगे या फिर सोच कर ही नहीं बोलेंगे हम नहीं भाई हमको देखेंगे ये हमको फला बोलेंगे हम सोच कर ही खामोश बढ़ जाते नहीं ऐसा हमारे साथ नहीं हो रहा ऐसा पिछले सौ साल पहले नहीं हजारों साल पहले से ये रिवायत चलती आ रही है और अल्लाह ने किसका साथ दिया घूरने वालों का साथ दिया इंसल्ट करने वालों का साथ दिया नहीं हक का साथ दिया अल्लाह ने हक का साथ दिया हक कायम होकर ही रहा तो हक को हमें कायम करना है चाहे लोग कितने ही मुखालिफत हो मुखालिफ हो जाए आपके हासिद बन जाते हैं लोग शरीर बन जाते हैं लोग आपके लिए शरीर बन जाएंगे हासिद बन जाएंगे आपके लिए जुल्म करने वाले जालिम बन जाएंगे आपके पीछे दुश्मन बन जाएंगे लेकिन अल्लाह अल्लाह अल्ला की जात आपके साथ होगी जैसे देखिए पैगम्बरों के वाकयात क्या फरमा रहे हूद जब उनको ये बोले कि तुम क्यों मुझे ताज्जुब से देख रहे हो क्या ये नई बात है कि मतलब ये कि कोई मैं अजीब चीज हूं कि मुझे अजीब तन निगाहों से देख रहे हो क्या क्या बात कि तुमको अजब लग रहा है जबकि तुम में से ही मैं हूँ लियोन जीरा को मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुमको डराओ बद गुरु इज इज जाम खुलाफा मिन बादी कौमी क्या बोले अल्लाह ताला क्या बोले अल्लाह ताला कि हूद सलाम ने कहा कि तुम वो हालत याद करो क्या कहा हूद अलैहि सलाम ने बद तुम याद करो इज जाम जबकि बनाया अल्लाह ने क्या बनाया खुलफाबादी कौम नुहिन् के बाद अल्लाह ने तुमको खलीफा बनाया जानशी बनाया जमीन में तुम हो अब कौम नूह के बाद और तुमको कैसे बनाया व्यादा कुम और ज्यादा किया तुमको फिल खल्की यानी अल्लाह ने तखलीक में यानी मतलब अल्लाह स्ट्रॉन्ग तखलीफ की इनकी ज्यादा इनको खुबत दी स्ट्रॉग बनाया उनको यानी या फैलाओ में फैलाओं में ज्यादा कर दिया तुमको मतलब क्या है फैलाओ में ज्यादा कर दिया मतलब और एक मुकाम पर आया ना अल्लाह तला ने फरमाया था कि लमयुख लख मिसलु हाफिल बिलात फजर में पढ़े थे ना हम सूर्फ फजर में क्या पढ़ा था हमने लमयुख लख मिसलु बिलात उस जैसी कौम दुनिया में पैदा नहीं की गई थी उस जैसी कौम दुनिया में पैदा नहीं की गई थी अल्लाह यानी ऐसी सुफहान अल्लाह ने बनाया था ना कौम ने क्या कहा इनके बारे में वो उस जैसी कौम शहरों में पैदा नहीं की गई थी ऐसी बेमिसाल अल्लाह ने बना दी थी लेकिन इन्होंने क्या किया अपनी पर घुमंड किया अपनी इसी खुबत के घुम्ड में मुबला होकर उसने कहा कि मन अशद्दु मिम्मा मिमा क्या बोलने लगे वो लोग सूरह हामिम सजदा में आता है कि उन्होंने कहने लगे वो कहने लगे कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है क्या बोले मन अशद्द मिन्ना मन अशद्दु मन अशद्द मन्ना क्या कहने लगे कि हमसे बढ़ के कौन है जी ताकतवर हम तो बड़े ताकतवर है तो अल्लाह तला ने फरमाया वो है तुमसे बड़ा ताकतवर जिसने तुम्हें पैदा किया वो तो तुमसे ज्यादा कुबत वाला है अल्लाह ने जवाब दिया उसका कि तुम किस किस बिना पर हिमाकत कर रहे हो किस बिना पर हिमाकत कर रहे हो जबकि तुमसे ज़्यादा ज्यादा कुत ने तुमको पैदा किया है उसको भूल जा रहे हो और लोगों पर जुल्म करने की उसी की नाफरमानी करने की अल्लाह की नाफरमानी करने की सोच रहे हो जबकि वो सब में ज्यादा ताकत वाला है जिसने तुमको ताकत बख्शी तो अल्लाह ताला भूद आसम को ये पैगाम देकर भेजे थे बोलो अपनी कौम से कि तुम याद करो तुमसे पहले कौम नूह को अल्लाह ताला ने आ, नूह सलाम की कौम को जिन्होंने झुटलाया था नूअ सलाम को तो कैसे गारत कर दिया उन्हें और फिर तुमको जानशी बनाया तुमको ताकत दी खुवत दी अलाफी तो ये जो अल्लाह तला की नियामतें हैं ना आला अल्लाह ती अल्ला नामतें फुरू तुम याद करो तुम याद करो अल्लाह ताला की नियामतों को लाकुम तुफ ताकि तुम फला पाओ जो नियामतें अल्लाह ने हमको दी हैं उसको हम याद रखें मेरी बहनों उससे अल्लाह का शुक्र अदा करें उस उस पर उन नियामतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें ताकि अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे ऐसा नहीं कि हम नियामतें पाते तो हैं नियामतें पाते तो हैं लेकिन फिर हमारी नजर किस तरफ होती है जो नियामत हमें नहीं मिली छोटी सी मिसाल देख लीजिए छोटी सी मिसाल खाना खाने बैठते हैं हम खाना खाने लिए के लिए बैठते ना खाना खाने के लिए बैठते हैं एक चीज दिखी अलहमद बोल के खा खाना नहीं दूसरी तरफ चीज की तरफ नजर रहती कि नहीं वो भी होना था ये भी होना था हम कहीं जाते हैं खुशी जरा अल्लाह तला के आपने फला जगह पर गए कोई खुशी घर में आपके आई अरे इसमें और थोड़ा ऐसा होना था यानी बंदा न्यामच की तरफ नजर नहीं डालता तो उसकी ये आदत ऐसी बिगड़ जाती है कि उसको कबीर नियामतें कुबरा नियामतें कुबरा भी उससे दे दो ना वो सेटिसफाइड नहीं होगा तो हमें चाहिए मेरी बहनों कि हम अल्लाह ताला की दी हुई नियामत पर अल्हम्दुलिल्लाह बोले हर नियामत पर जो न्यामत आपको दे रहा है मेरी बहन अल्लाह सुबह आप बोले अल्हम्दुलिल्लाह हाल अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह तेरा शुक्र है, है ना शुग्री के लफ्ज अपनी जुबान से हम नहीं निकालेंगे अल्लाह ने हमें औलाद दी हम क्या करते हैं अल्लाह से शिकवा करते अल्लाह कैसी नाफरमान औलाद दिया अल्लाह ने आपको नाफरमान औलाद नहीं दी औलाद दी औलाद उसको फरमा बरदार बनाना या नाफरमान बनाना आपके हाथों में था अल्लाह ने आपको टहनी दी ट्विक दिया ट्विक छोटी सी टहनी दी तनावर दरख्त नहीं दिया डायरेक्ट हो सकता था ना ऐसी भी तकलीफ अल्लाह की डायरेक्ट जो है ना बीस साल का बच्चा आपको दे दे इक्कीस साल का दे दे बड़ा त, 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 तनावर नहीं अल्लाह ने हमको क्या दिया एक छोटा सा तना दिया छोटा सा स्टेम छोटा सा क्या बोलते हैं उसे ट्विक छोटी सी टहनी छोटा सा अब उसको मोल्ड करना उसको यानी बनाना आपके अपने हाथों में था अल्लाह की ना क्यों करती हैं खुद यानी खुद अपने आप पर अफसोस करें कि मैंने उससे सही तरबियत नहीं की ये नहीं बोले कि नाफरमान औलाद नहीं अपने आप में रोए अल्लाह के सामने गिड़ गिड़ाएं जानेमाज बिछा कर रोए कल हमने पढ़ा था ना किबुम तुम्हारे रब को पुकारो कैसे चुपके से गिड़ गिड़ा कर कैसे पुकारना है उदो रब को व खुफिया तुम अपने रब को पुकारो चुपके चुपके गिड़ गिड़ा कर कितनी मरतबा हम औलाद के लिए रोए हैं औलाद तो अल्लाह की नियामत थी लेकिन उस नियामत को जब हमने सही तौर पर उसकी तरबियत नहीं की अगर वो पलटा कर हमें कुछ कह देती है कह देता है तो हम फौरी अल्लाह से शिकायत करने लगते कि अल्लाह तुने हमें नाफरमान औलाद दी नहीं मेरी बहनों अल्लाह ने तो आपको न्यामत दी हाँ ये और बात है कि आपने तमाम तरबियत कर ली हर वो शरीयत की पाबंदी खुद भी की बच्चों से भी करवाने की कोशिश की उसके बावजूद नहीं मानता है तो सलाम की मिसाल भी हमारे सामने है कि बेटा नाफरमान था उसने अल्लाह की अल्लाह की बात नहीं सुनी बाप का भी नाफरमान था तो ये इलाम कुछ कुछ होते हैं ऐसे केसेस लेकिन मैक्सिमम तो ये होता है कि हम अपनी गलतियों पर नजर डालें कि कहाँ मेरी तरबियत में नुकस रह गया है कि मेरी वजह से मेरी औलाद की तरबियत नहीं हुई है रोए दुआएं करें गिड़गिड़ाएं अल्लाह के सामने तो यहाँ पर अल्लाह ताला एक आन दी एक बात करें कि फजू अल्लाहअली तुम अल्लाह की नियमतों को याद रखो उसका शुक्र अदा करो ताकि तुम फलाह पाओ हूदाम को ये पैगाम दिए अल्लाह तला की तुम अपनी कौम को बोलो कि जो नमतें तुमको दिया है अल्लाह तला ने उसको याद रखो कि मेरे रब ने मुझे दिया है और उसका शुक्र अदा करो तो मेरी बहनों जब हम शुक्र अदा करने वालियाँ बनेंगी तो इन अल्लाह का अजाब नहीं आएगा वरना अल्लाह ने क्या कहा शुक्र नहीं करेंगे ला शकर तुम लाजीज अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें मजीद अदा करूंगा देखिए उनको कवत दी थी अल्लाह तला ने ताकत दी थी जो भी नहमतें उनको दी थी हूद के कॉम को उन्होंने शुक्र अदा नहीं किया उसका ने मजीद उनको बढ़ावा नहीं दिया उन्होंने क्या किया तो अल्लाह ने क्या कहा अगर तुम कुफर की नियमतों का नहीं करोगे इन्ना शेरा अजाबदीद है नियामतों का शुक्र अदा करना क्या है अल्लाह की फर्मा बरदारी में लग जाए न्यामतों का शुक्र अदा करना क्या है उस नियामत को अल्लाह के कुम के मुताबिक इस्तेमाल करें नियामतों का शुक्र क्या है कि बंदा अल्लाह का फरमा बरदार बन जाए अल्लाह ने नियामत दी तो अल्लाह का फर्माबरदार बनना है अल्लाह ने नियामत दी तो नफ्स के फरमा बरदार हमें नहीं बनना है अल्लाह ने नियामतें दी तो लोगों के फर्माबरदारी नफ्स की फर्माबरदारी लोगों की लाकलोजी जी रहे हैं तो या खुद के लिए या लोगों के लिए जबकि कह तो रहे हैं कि महियाई व ममाती रब्बीआलमी कह तो रहे हैं अल्लाह रबालमीन के लिए लेकिन नहीं फिर के देखते हैं कि नाऊजुबिल्ला हरकतें ऐसी हैं कि नाऊजुबिल्ला ऐसा नहीं कि खुद के लिए जी रहे हैं हालत ये हो जा रही है कि खुद के लिए जी रहे हैं या फिर अपनी नफ्स के लिए या अपनी अः माशरे के लिए लोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे फिर कहते रहे महियाई व ममाती आलमीन अल्लाह मेरी हयात मेरी मौत तेरे लिए है नहीं मेरी बहनों ऐसा हमारा खौल और फेल में हमें तजाद नहीं होना चाहिए जो हम कह रही है वो करेंगी इनशाला औलाद अल्लाह की नियमत हमारी यानी इस्लाम अल्लाह ने हमें दिया है वो अल्लाह की नियमत है उसका कुफरान न्यामत हम कर दे रहे हैं शुक्राने नेमत नहीं कर रहे शुक्राना नेमत करते होते तो फिर एक एक लफ्ज अल्लाह ताला का याद रखते एक एक बात अल्लाह ताला की याद रखते एक एक हुकुम अल्लाह और उसके रसूल का याद रखते और उस पर खुद भी अमल करते दूसरों को भी दावत देते जिंदगी के अपने मकसद को कामयाब करते हम ये कौमों की मिसालें क्यों दी जाती है हम पढ़ लिए चलो आगे बढ़ गए अरे सलाम थे उनकी कौम थी खौमियात पढ़ लिए आगे बढ़ गए नहीं अल्लाह ये कौमों की मिसालें हमें क्यों दे रहा है मुझे और आपको दे रहा है यह हूद की कौम तो अब मौजूद नहीं है ना कौम को सुना रहा है अल्लाह ताला ये नहीं हमें सुना रहा है क्यों सुना रहा है कि देखो पिछली कौमें जो नबियों की बात नहीं मानी इतबाए रसूल वो नहीं किए नबी से मोहब्बत नहीं किए नबी की इतात नहीं किए अल्लाह से मोहब्बत नहीं किए अल्लाह की इतात नहीं किए अल्लाह ने जो नियामतें दी उसका शुक्राना नियामत नहीं किए तो फिर उनको कैसे अजाब आया समझाएं उनको पैगम्बर

और अब वो उनका क्या मामला है जिसकी जिसकी इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं बाप दादा से जो चलते आ रहा है वो नजर उसको छोड़ दे माँ कहना ये आबू आबा आना हमारे आबा व अजदाद जिसकी इबादत करते थे क्या हम उनको छोड़ दें नहीं मेरी बहनों ये बात हमेशा याद रखिए जहां पर भी आबा व अजदाद की अंधी तकलीद होती है जहां पर भी आबा व अजदाद की अंधी तकलीद होती है बड़े बड़ों से चलने त्यारा करेंगे बड़ों से चलने त्यारा करेंगे ये गुमराही की बुनियाद बनती है गुमराही का हंड्रेड परसेंट रीजन जो ब, बनता है इनके पास वो क्या बनता है गुमराही का एक अहम जरिया जो होता है ये बाप की अंधी तकलीद है आबा व अजदाद की अंधी तकलीद है अंधी तकलीद अंधी तकलीद यानी पट्टी बांध कर चलते हैं जो उन्होंने किया वो आगे हम भी करेंगे नहीं बड़ों के तरीके से कर लेना हम बड़ों के तरीके से कर लेना अक्सर मैंने देखा शादी ब्याह के मौके पर एक अः जयीफ औरत को एक बड़ी बी को बिठा देते बोलते कैसे करना नानी ये कश्ती लाओ हाँ उन्होंने बोलते वो पान को ये लगाओ उसको थूको उसको निंगलो उसको फला करो ये आ, आ, अब ये करो अब फला करो अब वो बड़ों के इंस्ट्रक्शंस इस्ट्र, पूरे सुन सुन के वैसे ना उसकी कोई बुनियाद रहती ना उसका कोई अः क्या कहते हैं कि नाऊज़ अः हदीस के कोई अः हदीस में कहीं नहीं आता कुरान में कहीं नहीं आता बस ये बिठा देते हैं नहीं उनको बड़ों से पूछ के करो बड़ों से कैसा करना अब बड़े बड़े बन के बैठ जाते हैं कि चलो अब अजीब और गरीब किस्म के तमाशे मैंने देखे शादी ब्याह के मौके पर देखिए बच्चे पैदा हुए उस मौके पर देखिए या फिर आ, मरने के मौके पर देखिए हर मौकों पर ये फसाद का जड़ जो होता है ना वो होता है माँ बाप यानी आबा व अजदाद की अंधी तकलीफ जो वो बोले वो सुनेंगे नहीं हमको तो नहीं आता ते बड़ों से पूछेंगे करेंगे और ये बड़े चाहे अल्लाह की बात बोले या ना बोले अल्लाह के रसूल के तरीक़ा बताएं या ना बताए बस वो जो बोले वो सुन लेना तो उस जमाने में भी हजारों साल पहले भी ये फितना था क्या कि वो कहते थे कि नजर माँ का आबू दो आबा आना हमारे आबा व अजदाद जिसकी पूजा करते थे बाप दादा हमारे जिसको पूछते थे जिसकी इबादत करते थे जिनकी बात मानते थे, थे, थे परमाबरदानी करते थे उनको छोड़ देंगे हम फातिना बिमा तुना इनकुन तमिन अगर तू सच्चा है तो जिस अजाब की हमें धमकी दे रहा ना वो ले आ नजुबिल्ला क्या कर, क्या कहते थे पैगम्बरों को सलाम को भी उनकी कौम आद ने यही कहा तुम क्या कह रहे हो कि एक अल्लाह की इबादत करना हमारे आबा आबाव अजदाद का जो दीन चल लेते आ रहा हम शुरू से जो तरीके चल लेते आ रहे सब छोड़ देना अब तुम्हारे बोलने पर ठीक है तुम हक हाँ है अजाब ला के बताओ हम कर रहे ना गलत कर रहे ना ठीक है अजाब ला के बताओ तो मेरी बहन कौम आद ने भी यही दलील पेश की थी शिरक छोड़ो जब बोले उनको तोहहीद का रास्ता अपनाओ जब उनसे कहा गया शिरक छोड़ने के लिए कहा गया तोहीद का रास्ता अपनाने के लिए कहा गया तो यही दलील उनकी क्या नहीं हम बिचला जो चल रहे तैयारा वही करेंगे बदकिस्मती से देखेंगे आज के मुसलमान भी अपने बड़ों की तकलीफ की बीमारी इनके अंदर है एक तबखा जो जो दीन का कुछ भी शूर रखता है ना थोड़ा सा भी शूर रखता है ना दीनी उलूम से वाबस्ता हो गया थोड़ा शूर रखा और वो अपना बताता है कि नहीं भाई ये दीन सही है देखो खुरान में ये कहा गया हदीस में ये कहा गया तो क्या करेंगे नहीं अंधी तख्लीक करेंगे हमारे उलमा नहीं बोले हमको हमारा ज, जमात अलग है तुम अलग हो जी तुम वहाबड़े हो पकौड़े हो तुम वहाबी हो ये वहाबी वहाबी क्या लगाते हैं आपको पता है वहाब अल्लाह ताला के नामों में से है बोलकर चिड़ना क्या कर रहे हो वहाब अल्लाह के नामों में से वहाँ अल्लाह वाला खुद ही कह रहे हो अल्लाह वाला और खुद ही लान तान कर रहे हो ये हो।, हो गया ये बेदीन हो गया अरे ये वहाँ हो गया तो ही दीनदार बना ना अंधी तखलीद नहीं कर रहा है अपने आबा व अजदाद की या फिर ओलमा सो कॉल्ड ओलमा इनके इन इनकी ये जो मुशरक होते ना शिरक करने वाले बिदआत करने वाले इनके अलावा जो पक्के मुशरिक पक्के बिदाती उनको पूरी बिदत की ट्रेनिंग देते हैं शिरक की ट्रेनिंग देते हैं बिदातों की ट्रेनिंग देते हैं और ये साबित करते हैं कि उनको ये साबित करते हैं कुरान के दलाइल ऐसे देते हैं जिससे यानी नउिला अल्लाह ने कहा ना कुरान में के, युदिल्लु बिही कसीरों व यहदी बिही कसीरा कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान को दलील बनाकर गुमराह होते हैं व यहदी बिही कसीरा और बहुत सारे ऐसे हैं जो इससे हिदायत भी पाते हैं अल्लाह ने कह दिया कि वमा वमा युद्लू इलफासन इससे कोई गुमराह नहीं होता कुरान से सिवाय फासिक के फासिक क्या करता है दिल दिल में फिस्क को फजूर रख कर उसे खबर के सामने सजदा करना है उसे खबर के सामने सजदा करना है तो वो क्या करेगा कुरान में ढूंढेगा कि कहीं भी ऐसे सजदे की गैर अल्लाह को सजदे की मिसाल मिल गई अब वो लेके उछलता अब वो लेके बोलता कि देखो 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 यहाँ यहाँ देखो यहाँ है लिखा हुआ अब देखिए यूसुफ सुर यूसुफ में लिखा है ना यूसुफ यूसुफल को उनके बाप ने उनकी आ, आ, सारे खानदान ने सारे मुल्क के लोगों ने उनको उनके सामने सजदा किया था अब वो दलील ले लेता ले, ले, ले के पुकारने लगता देखो कुरान में है सजदा हुआ था हुआ था हुआ ये फासिख को इतना नहीं पता कि अल्लाह व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत तुझको दी है यूसुफ यूसलम की शरीयत तुझको नहीं दी शरीयत मोहम्मदिया में हो तुम उन्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो उम्मत तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम के नहीं हो अगर ऐसा होता गुंजाइश अगर किसी को सजदा करना किसी के सामने झुकने की गुंजाइश होती तो रसूल अल्लाह रसोलम के सामने साहबा झुकते थे है कोई दलील आपके पास नहीं है बात इतनी सिंपल रहती समझ में नहीं आती नहीं तो इनको कि अपनी जहालत पर अड़े रहते हैं और कहते हैं कि नहीं हम वही करेंगे जो हमारे बड़े कर रहे हैं देखिए हजारों साल पहले भी खौम में आद ने वही कहा नजर माकाना यब दो आबा या हम हम अपने आबाद आदत के आबा अजदाद की बातों को छोड़ दें फातिना बिमा बीमा फातिना लाओ बिमाई दुना जो वादा तुम हमसे कर रहे हो ना अजाब का लाओ अजाब इन इनकुनता अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह ताला बता रहा है खद मिन अल्लाह ताला ने क्या क्या फरमाया कि उन्होंने कहा ना कि लाओ अजाब लाओ जिसकी धमकी तुम हमें देते हो और उन्होंने क्या कहा कि बस अब तुम पर अल्लाह की तरफ से अजाब और गजब आना ही चाहता है क्या बोले आ, आ, हुदरे खौला कहा, कद अरे तुम नहीं सुन रहे सुधरते नहीं बात नहीं सुनते अल्लाह की उसके रसूल की बात नहीं सुनते हाँ अब तो ऐसा लग रहा है कि तुम पर अजाब आएगा ही अल्ला आएगा अल्लाह का गजब आएगा ही आएगा फी तुम्हारा यानी ने कहा कि क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जिसको तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने वो नाम रख लिए सम्मई तुम्हारा अबाउकुम सम्मई तुम्हारा तुमने नाम रख लिए अंतुम तुमने व आबाउकुम तुम्हारे आबा यानी तुमने अपनी मनमानी कर ली कि फला आ, 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 फला नाम ये उनके लिए है ये उनके लिए है ये अता है, करते हैं हमें वो बख्श देते देंगे हमें वो हमारे लिए फला कर देंगे ये हमारे लिए फला कर देंगे अरे तुमने अपने माबूदों के हजारों नाम बना लिए उस बारे में तुम मुझसे झगड़ रहे हो उधर सलाम ने पूछा अपनी कौम से तुम उस नाम ले वो नाम ले लेकर वो बातें कर 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 झगड़ रहे हो माँ बिहा जिसको अल्लाह ने नाजिल नहीं किया मिन सुल्तान कोई दलील जिनको तुमने तुम्हारे बाप दादाओं ने नाम रख लिया उनके माबूद होने की ना अल्लाह ने कोई दलील दी तुमको ना अल्लाह ने तुमको तुम पर कोई नाजिल किया कि देखो ये अः क्या कहते हैं कि अः ये दलील है तुम्हारे लिए कि तुम फला आ, हो, हो सकता ना मैं कुरान में होता था कि देखो अल्लाह और उसके रसूल के बाद अल्लाह ताला ये कह सकता था कि तुम अल्लाह की मानो उसके रसूल की मानो उसके बाद जो जो अः यानी लोग आएंगे और अपने अपने तरीकों से जो जमाने में जो तुम्हें तुम्हें सिखाएंगे वो तुम सीख जाओ ये कह सकते थे ना अल्लाह तला नहीं नहीं अल्लाह ने ये कहा कि तुम जम जाओ अल्लाह के रसूल वसलम ने हमें ये हुक्म दिया कि तुम दम जम जाओ कुरान और हदीफ पर खुरबयामत तो अल्लाह के रसूल ससम ने कहा कि खुरब खयामत तो कितने फिर हो जाएंगे खुरब खयामत तो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर खुरबयामत तो बहत्तर नहीं तिरहत्तर फिरके हो जाएंगे अल्लाह के रसूल वसलम ने फरमाया बहत्तर फिर तो बनी इसराइल में थे मेरी खौम में तो तिरत्थर और भी बढ़ जाएंगे फिरके और हर कोई अपने अपने चीजों में मगन होगा कोई कह रहा है कि हाँ मैं जो कर रही हूँ वही सही है वो जो मैं वो जमात बोलेगी ये जमात बोलेगी वो बोलेगी सब मैं सही हूँ मैं सही हूँ मैं सही हूँ तो साहब अकराम ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल फिर सही कौन रहेंगे उस वक्त सही कौन रहेंगे उस वक्त गौर से सुनिए मेरी बहनों बहुत अहम बात बताने जा रही हूँ आपको उस रोज कहेंगे उस रोज के बारे में यानी जो आज का दौर है वो खुरब खुरबयामत की निशानियों में से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे उम्मती मेरे लेकिन अपने अपने फिरकों में मगन रहेंगे और सब ये समझेगा कि वो हक पर है तो अल्लाह के रसूल सल्म से साहबा ने सवाल किया कि फिर होंगे कौन हक पर होंगे कौन हक पर तो क्या फरमाया अल्लाह के रसूल वसलम ने इस बात को इस बात को अपने दिमागों में बिठा लीजिए इस बात को अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिए लिख लीजिए अपने दिलो दिमाग पर इस बात को क्या फरमाया अल्लाह के रसूल वसम्लम ने हक पर वो होंगे जो मा अलीबी जो मेरे तरीके पर और मेरे सहाबा के तरीके पर होंगे जो मेरे तरीक़े पर मेरे सहाबा के तरीके पर होंगे जो अपने दांतों से मजबूती से कुरान और हदीस को पकड़ लेंगे के हदीस के अल्फाज हैं ये हदीस के अल्फाज हैं जो अपने दांतों में कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ेंगे यानी जब छूट जाते रहेंगे उनसे कुरान हदीस तो इंसान क्या करता है छूट जा रहा है कोई चीज दो हाथों से छूटने लगी तो फौरी दांत से पकड़ लेता है फॉर एग्जाम्पल कोई डूब रहा है रस्सी पकड़ के था वो छूट गई उसके हाथ से तो अब दांत से पकड़ता ना फौरी दांत से पकड़ लेता है मजबूती से तो सुबहान अल्लाह ये वो दौर है मेरी बहनों आज कुरान और हदीस हमारे हाथों से निकल रहा है हमारे अमल हमारी जिंदगियों से ऐसे निकल जा रहा है से निकल रहा मतलब हमारी जिंदगी से निकल जा रहा है और हदीस तो हमें अपनी दातों से मजबूती से पकड़ना है यानी बहुत ज्यादा मजबूती से बहुत ज़्यादा मजबूती से तो, तो तब हम जन्नती फिर बनेंगे मेरी बहनों जो दलील असल है लाजिम है देखिए कौम को भी ने क्या कहा था माँ नजर सुल्तान तुम वो बात से मुझसे बहस कर रहे हो कौम आज तुम वो बात से मुझसे बहस कर रहे हो जिसकी कोई दलील अल्लाह ने उतारी नहीं आज भी देखिए सब लोग सबों लोग ऐसी बहसें करते हैं जिसकी कोई दलील ही नहीं होती देंगे भी तो टेढ़ी टेढ़ी बातें करेंगे टेढ़ी टेढ़ी बातें करेंगे दलाइल देने के लिए बोलो तो ऐसे घूम फिर के टेढ़ी टेढ़ी बातें करके छोड़ देंगे दलील कैसी होनी चाहिए सरीह दलील और हदीस की दलील तो उस जमाने में भी हूद के सामने उन्होंने क्या बातें की तो हूद ने क्या फरमाया अतुजा बहस अतुजादिलूनी क्या मुझसे इस, इस बात पर मुजादिला कर रहे हैं यानी बहस कर रहे हैं फी असमी ऐसे नामों के बारे में ऐसी बात के बारे में जिसको तुमने नाम रख लिया तुम्हारे आबाओदान यानी खुद की खुद की शरीय तुमने बनानी तुम्हारे आबाजदान ने बना ली तुम्हारे बड़ों ने बना ली और वो उसी पर तुम अमल करोगे जबकि मां नजल्हबिहा सुल्तान जबकि अल्लाह ने कोई दलील उसकी नाजिल नहीं की लिहाजफन तजी माको मिनल मुंतजरीन चलो इंतजार करो तुम भी इंतजार करो हम भी इंतजार करते हैं अल्लाह अकबर क्या कहा जा रहा है अब यहाँ पर तुम भी इंतजार करो हम भी इंतजार करते हैं नहीं ये बोल रहे थे ना कि ठीक है तुम आ, तुम इत हो अल्लाह का अजाब ला के बताओ हम पर तो हुई सलाम ने कहा कि तुम भी इंतजार करो हम भी इंतजार करते हैं तो फिर अल्लाह ने क्या किया बचा लिया किसको सलाम को और वल्ली नमाहू जो उनके साथ थे किसको किसको बचा लिया हु को और जो उनके साथ थे उनको बचा लिया बे रहमति अल्लाह तला फरमा रहा है कि गर्ज हमने उनको और उनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया बिर मिन्ना खताना और हमने काट के रख दिया लदीन कद्दबू बी आया उन लोगों की जड़ हमने काट कर रख दी जो अल्लाह की बात अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो हमारी बातों को झूठ है अल्लाह अकबर मेरी बहन हमारी नस्लों को हमें कायम रखना है हमारी नस्लों को हमें परवान चढ़ाना है तो अल्लाह और उसके रसूल के फर्माबरदार बन जाए हमारी नस्लें परवान चढ़ेंगी उनके लिए दुआएं करें उनके लिए कसरत से दुआएं करें और उनको कुरान और हदीस पर गजन कर दें चाहे दुनिया आपकी मुखालफत हो जाए चाहे आपको उसमें बेजती महसूस हो नौजुबिल्ला अगर किसी बात में ऐसी महसूस हो रहा है कि हम कुरान हदीस पर चल रहे हैं तो हमारी बेजती हो जा रही है तो वो बेइज्जती बेइज्जती नहीं है मेरी बहन अपने जहन को थोड़ा सा चेंज करें आजकल चे, कहती है ना लोग कहते निकलो अब शरीत के हिसाब से आवाया पहनेंगे शरीय के हिसाब से पीस लगाएंगे शरीय के हिसाब से पूरा ढाक के निकलेंगे ना तो वो वाली इज्जत नहीं मिलती जैसे थोड़ा बहुत नंगा नंगे बन के निकलो तो जैसी इज्जत मिलती है नुबिल्ला नजुबिल्लाम इंदारिक जो जितना बरहनापन करती है उतनी ज्यादा समझती है कि उसे इज्जत मिल रही है है ना देखते ना रोड रोड पर जब निकलते हैं हम ऐसे हिमाकत करके चलती है के समझती है कि उसे इज्जत मिल रही है जबकि वो जलील हो रही जो अल्लाह की नजर में जलील वो हकीकत में जलील चाहे वो कुछ भी समझे अपने आप को चाहे लोग उसे कुछ भी समझे तो मेरी बहनों जितनी ज्यादा शरीयत की पाबंदी आप करेंगी अल्लाह की नजर में उतनी ज्यादा बाइज्जत आप बनेंगी क्यों अल्लाह ने फरमाया इन अक्रम तुम में सब में ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सब में ज्यादा तखबे वाला है तो जितने मुत्तकी बनेंगी उतनी आपकी इज्जत होगी वरना तो नऊज नौम आत की मिसाल के अल्लाह ने क्या किया नजात दे दी किसको हूद किसको बल्लिन माहू जो उनके साथ थे यानी जो रसूल की फर्माबरदारी करते थे अल्लाह की फर्माबरदारी करते थे उनको अल्लाह ने बचा लिया बिरा मतीम मिन्ना कह रहे हैं अल्लाह तला मैंने अपनी रहमत से उन्हें बचा लिया और अल्लाह फरमाता है वह खतानादाबरदी कद्दबू और काट कर रख दी हमने जड़ें उन लोगों की जो कद्दबू भी आयाती ना जो हमारी आयतों को झुटलाते थे वह मोमिन नहीं थे अल्लाह अकबर यानी अल्लाह ताला उनकी जड़ों को काट देता है जो मोमिन नहीं होते अल्लाह ताला उनकी जड़ों को काट देता है जो अल्लाह ताला की आयतों की इतवा नहीं करते फर्माबरदारी नहीं करते झुटला देते हैं अपने खौल से अपने अमल से तो अल्लाह ताला उनकी जड़ों को काट कर रख देता है क्या बता रहे हैं और कैसी कौम थी जबकि वो बड़ी आवार बड़ी खुवत वाली बड़ी उनकी जाहो जलाल था क्या बोले अल्लाह तला वैसी कौम मैंने पैदा नहीं की सूर्य फजरी की कौन सी आयत सुनाई मैंने आपको लम युखलक फिल बिलाद। शहरों में कोई ऐसी मिसाल नहीं थी कौम की ऐसी जबरदस्त कौम थी लेकिन अल्लाह ने क्या किया उसकी जड़ काट कर रख दी काट के फेंक दी अल्लाह तलासे कौम क्यों क्योंकि वो कद तब भी आया थी ना फरमा रहे थे मेरी आयतों को और वमा कानू मोमिन वो मोमिन नहीं थे अल्लाह वक्त पर तो मेरी बहन मुझे और आपको हमारी नस्लों को मोमिन बनना है मोमिन बनना है हम क्या समझते हैं कि हाँ भाई मोमिन बंदा तो बनना बड़ा मुश्किल है भाई हम ऐसी साधे सीधे मुसलमान है बस लोगों से कहते हुए सुना होगा आपने हम ऐसी साधे सीधे मुसलमान है पाबंदी ले कर लेते हैं कुरान पढ़ते नमाज पढ़ते ये भी देख लेते वो भी कर लेते फिर बेहया भी करते हैं फिर नाफरमानी भी करते हैं इसराफ भी करते हैं ये भी करते हैं सब भी करते हैं फिर कहते हैं कि नहीं हम ये भी दुनिया में भी रहते हैं दीन में भी रहते हैं ए अल्लाह माफ कर देगा जी हमें हाँ बुद्ध पक्के मोमिन तो नहीं है लेकिन ठीक है जैसे भी है ठीक है इन्ना लाही भाई इन्ना ये आयत आज का जो हमारा यानी आखिरी आयत है इसमें अल्लाह ने क्या फरमा दिया कि कद लबूबी आयाती ना वमा कानू मोमिन क्यों अल्लाह ने किसकी जड़ काट कर रख दी खताना खताना खता खता कर देना काट देना खतःना हमने काट दी दाबिर यानी जड़ किसकी अल्लादीना कद लबूबी आयाती ना वमा कानू मोमिन उनकी जो अल्लाह की बातों को झुटलाते थे और मोमिन नहीं थे मोमिन नहीं थे तो मेरी बहन मोमिन का मोमिन नहीं बनना कोई Uh, क्या कहते हैं कि लाइट लेने वाली बात नहीं है खुद भी मोमिना बनना है हमें क्या बनना है मोमिनात, आप और आपको और मुझे मोमिन बंदियां बनना है और अपनी नस्लों को भी मोमिन बनाना है क्यों क्योंकि जो मोमिन नहीं बनता अल्लाह उसकी जड़ काट के रख देता है अल्लाह अकबर अल्लाह महफजन अल्लाह महफजन अल्लाह हमें महफूज रखे और अल्लाह हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तोफी ख़ता फरमाए और जो जो कुरान की डरावे जो इंजार हमें मिल रहा है यहाँ पर जो डरावा हमें मिल रहा है अल्लाह हमारे खलूब ऐसे काम जाए कि हम तेरे पक्के फर्मा बरदार बन जाए पक्के मोमिन बन जाए क्योंकि अल्लाह तबारक ताली यहाँ पर मोमिन जो नहीं बनता उसकी जड़ काट के रख देता है ये डरावा हमें डराया गया अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें पक्का मोमिन बना दे हमारी नस्लों को पक्का ईमान वाले बना दे ताकि अल्लाह तम हमें अपनी रहमत में जगा दे और अपनी रहमत दामन रहमत से हमें ढांक ले और हम सबको अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए अल्लाबारिकली वाल्मीन आलमी सुफहाना रबा यूफून वसली रबीन